वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हमारे महादेव जी मतलब कल रात में ही चले गए जमशेदपुर, वो कुछ काम था उनका तो उसके लिए चले गए हैं। तो हम और बाबू घर पे हैं, नवनीत यहाँ बैठा है। हाँ, तो अभी अभी नवनीत वहाँ क्यों बैठा है, क्योंकि वहाँ से वो वीडियो बनाएगा, मतलब कैमरा मैन बना है नवनीत। तो चलिए, हम आज क्या बना रहे खाने में, तो हम खाने के लिए चावल बना लिए हैं, देख सकते हैं, और भिंडी का सब्जी बनाया है तो वो भी है। और तो थोड़ा सा हम सोचे कि चलो मिस्टर नहीं है, अब उनको कड़ी वो पसंद नहीं है, उतना नहीं खाते हैं, तो दही भी हम घर में ही जमा के रखे हैं। तो हम आपको दही दिखाते हैं, मेरा दही कितना अच्छा सा जमा है। वो है दही हमारा यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं हमारा दही कितना गाढ़ा जमा है। और हम इसी दही से बनाएंगे कड़ी। तो कड़ी किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो जो कमेंट करेगा उसको हम कड़ी खिलाएंगे। तो चलिए फिर हम बनाते हैं कड़ी, और नवनीत को दे देते हैं फोन, कैमरामैन तैयार है। तो चलिए, हम ये बेसन ले लिया है पकौड़ी बनाने के लिए कड़ी का। तो उससे पहले हम तेल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। तो हम तेल खाली किए डब्बे में डालें, तो तेल इसमें थोड़ा ज्यादा था, इसको कढ़ाई में डाल देते हैं और बचा तेल इससे हम निकाल देते हैं। यहाँ पे बेसन ले लिए हैं, और बेसन में थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे हम। तो कभी भी आप अजवाइन का इस्तेमाल करिए तो इसको ऐसे हल्का सा हाथ में क्रश कर लीजिए ऐसे, और उसके बाद डालिए, ताकि इसका जो भी देखिए गंदगी है ये देखिए वो सब निकल जाएगा। तो अजवाइन डाल दिए, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। बंद हो रहा है, देखिए थोड़ा सा हींग डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और ये देखिए थोड़ा सा मतलब बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा एकदम डालेंगे हम इसमें, अच्छे से फूल जाए इसलिए। तो चलिए, अब ये मिक्सर हम सारा चीज इसमें डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कढ़ी में भी नमक डालेंगे तो नमक ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही डालेंगे। और अब इसको हम पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हम इन सारी चीजों को मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ताकि ये जो है बैटर, ये पकौड़ी अंदर से एकदम स्मूथ रहे इसलिए, और तेल डाल के भी हम इसको मिला लेते हैं और फिर छानेंगे। अब देखिए, कढ़ाई में जो है हमारा तेल जो है बिल्कुल गर्म हो गया है, क्योंकि इससे अच्छे से धुआं आ रहा है। तो थोड़ा छोटा छोटा सा हम इसमें डाल लेते हैं पकौड़ी। इसी तरीके से सारा पकौड़ी को हम डाल लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा पकौड़ी कितना अच्छे से हो गया। तो अब हम इसको निकाल देते हैं, पहले तो गैस ऑफ कर लेते हैं और हम इसको निकाल देते हैं। अभी देखिए, हम ये जो दही ले लिए हैं, ये दही को हम फेंट लेंगे अच्छे से। यहाँ बेसन जो है उसको डाल के और मिक्स कर लेते हैं दही में ही। तो ये बेसन देखिए मिक्स हो गया है हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये देख सकते हैं। इसमें हम हल्दी और हल्का सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, और ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो थोड़ा सा और हमको लगता है जीरा पाउडर होना चाहिए, मतलब 2 टीस्पून आप जीरा पाउडर कर दीजिए, और इन सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, ये हो गया है। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको वापस से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया। तो इसमें हम बहुत ज्यादा तेल को हीट नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे। बंद कर दे, और मेथी दाना को थोड़ा सा पकने देंगे। बंद कर। अब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और ये थोड़ा सा जीरा। तो ये सारे चीज को हम थोड़ा सा भून के कटिंग करके, हम प्याज थोड़ा सा, एक प्याज को हम कटिंग करके रखे हैं। तो इसको, तो जीरा को हम थोड़ा पका लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 पिंच के जैसे हींग भी डाल देंगे इसी तेल में। हींग से क्या है, हमारा जो टेस्ट है कड़ी का बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा हींग भी डाल दिए हैं,
अब हम इसमें ये प्याज जो कटिंग किया हुआ है ये डाल देंगे और इसको हम भून लेते हैं। और ये देखिए प्याज जो है हमारा भून गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका जो पेस्ट का जो स्मेल है मतलब अदरक लहसुन का वो ना चला जाए। तो हम होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक बार ही अदरक लहसुन को पीस के और उसमें हल्का सा ऑयल मिला के एयर मतलब टिफिन बॉक्स में अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं, खराब भी नहीं होता है। इसको आप चाहे तो 15 डेज आराम से इसको कर सकते हैं यूज एक बार बना के। तो चलिए हम इसको अच्छे से भून लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सब पक गया है तो हम ये जो घोल के रखे थे इसको हम इसमें डाल के और अच्छे से पका लेते हैं इसको। तो इसको हम मीडियम फ्लेम कर देते हैं और इसको चला के अच्छे से पका लेंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हमारा जब तक कढ़ी हो रहा है तब तक हम तड़का के लिए कर लेते हैं तैयारी। फिर ये हम थोड़ा सा चढ़ा दिए रिफाइंड ऑयल, आप इसमें सरसों तेल भी ले सकते हैं और हम इसमें थोड़ा सा सरसों डालेंगे और इसी में थोड़ा सा जीरा डालेंगे। थोड़ा सरसों थोड़ा सा जीरा। तो सरसों देखिए हमारा हो रहा है, सरसों जब थोड़ा हो जाएगा तब फिर अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। और इस वक्त हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया है, सरसों जीरा हो जाएगा। तो अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। तो करी पत्ता जब आप डालें तो थोड़ा सावधानी रखें, देखिए कैसे ये होता है। अब हम इसको एक चम्मच की सहायता से पका लेंगे और अभी गैस को ऑन करेंगे और लो फ्लेम रखेंगे। तो एक चम्मच से हम इसको ऐसे अलग पलट कर लेते हैं ताकि ये सारी तरफ से अच्छे से पक जाए। गैस को ऑफ कर देते हैं और ये हमारा हो गया है। तो अभी ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसमें मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा ठंडा जैसे हो गया तो हम इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कलर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं कलर के लिए और इसको चला के पका लेंगे। आप चाहें तो अगर आप कंछुल में नहीं कर सकते तो आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये तड़का के लिए बिल्कुल तैयार है सब कुछ। अब हम इसको साइड में रख देंगे और जब कढ़ी हमारा हो जाएगा तो हम इसे तड़का लगाएंगे। ये देखिए हमारा कढ़ी जो अब अच्छे से इसमें बॉयल आने लगा है तो अब हम इसमें ये जो पकौड़ी रखे थे इसको हम डाल देंगे और दो नमक के लिए बचा देते हैं ना बेटा। हाँ बाकी सब हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। फिर जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये जो तड़का के लिए तैयार करके रखे हैं इसको डालेंगे। चलिए अब हम इसमें नमक डालते हैं। नमक डालना हम भूल गए थे तो आप लोग ऐसा मत करिएगा गाइस। तो चलिए नमक अभी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम मिक्स कर देंगे। करी इसमें अब हम लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। तो जैसे कि फ्लेवर आता है तो हम इसको कस्तूरी मेथी डालेंगे। तो कस्तूरी मेथी को भी हम थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेंगे हाथ पे और उसके बाद ये डालेंगे। और देखिए कितना गर्म है, हम डाल दिए। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और ये जो तड़का रखे हैं इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए ये फिर हम मिला लेते हैं, फिर इसका हम आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं हमारा कढ़ी जो है वो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो अभी हम चलिए हम लोग खाना खाने जाते हैं। तो निकालते हैं कढ़ी चावल और आ गया है खाना खाने और नवनीत भी इधर आ गया है और हम लोग ठंडा ठंडा आज पानी लिए हैं बर्फ वाला पीने के लिए।
तो चलिए सब्जी का भी हम टेस्ट खा के बताते हैं आपको कैसा है। सब्जी बहुत अच्छा है। और अब कढ़ी बताते हैं हम, तो कढ़ी का पकौड़ा देखते हैं कितना अच्छा से फूला है या नहीं फूला है। तो ये देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा फूल गया है, पूरा अच्छे से टूट जा रहा है। तो अब इसको खा के दिखाते हैं, बहुत अच्छा बना। तो आप लोग भी ऐसे कढ़ी बनाइएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।